भदोही जिले के सूर्यामा थाना क्षेत्र के मतेथु हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ के बाद आज विशाल भंडारा चल रहा है। यहां भदोही लोकसभा क्षेत्र के पांचों विधानसभा से करीब 50,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं मतेथु हनुमान मंदिर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती पहुंचे हुए हैं। उन्होंने चक्रमार करके मौके का जायजा लिया है। भारी भीड़ को देखते हुए एहतियातन के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगा ली गई है। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को सतर्क दृष्टि बनाए रखने का निर्देश जारी किया गया है। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएससी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरा कार्यक्रम भदोही सांसद रमेश चंद बिंद के द्वारा करवाया जा रहा है। बताया जाता है कि 17 तारीख सोमवार से सूर्यामा इलाके के मतेथु हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ चल रहा है। रामायण पाठ का आज समापन हो रहा है। आज मतेथु हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। खास बात यह है कि इस भंडारे में भदोही लोकसभा क्षेत्र के पांचों विधानसभा से करीब 50,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े कार्यक्रम को सक्सेसफुल संपन्न कराने को लेकर कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। ज्ञानपुर दुर्गागंज मेन रोड के मतेथु हनुमान मंदिर पर यह भव्य कार्यक्रम चल रहा है। भदोही लोकसभा क्षेत्र के 50,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। भदोही सांसद रमेश चंद बिंद के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देर शाम तक 50,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मतेथु हनुमान मंदिर पर यह भव्य कार्यक्रम चल रहा है। भदोही सांसद रमेश चंद बिंद के द्वारा यह भव्य कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। मतेथु हनुमान मंदिर पर यह कार्यक्रम चल रहा है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।